लॉकडाउन के दौरान दिवंगत हुए लोगों की अस्थियां विसर्जन करने के लिए राज्य सरकार और सामाजिक संस्थाएं लगातार प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में अखिल भारतीय बागड़ा ब्राह्मण महासभा की ओर से रविवार को निःशुल्क अस्थि विसर्जन यात्रा रवाना की गई। लॉकडाउन के दौरान दिवंगत हुए समाज के लोगों की अस्थियां विसर्जन करने के लिए दिवंगत परिवारजनों को बसों से रवाना किया गया। इस दौरान विधानसभा मुख्य सचेतक महेश जोशी और चौमू विधायक रामलाल शर्मा, बगरू विधायक गंगा देवी और बागड़ा ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्री नारायण बागड़ा ने कलेक्ट्रेट सर्किल से 4 बसों को हरिद्वार के लिए रवाना किया। इससे पहले यात्रियों को सैनिटाइज कर मास्क और भोजन के पैकेट दिए गए। महेश जोशी ने कहा कि बागड़ा ब्राह्मण महासभा की ओर से कोरोना महामारी और संकट की घड़ी में सराहनीय काम किया गया है। देखिए, बागड़ा समाज के तरफ से 4 बसें अस्थि विसर्जन के लिए जा रही हैं। ये कठिन समय है, सामूहिक रूप से ये सेवा हो रही है। मैं इनके सुखद यात्रा की मंगल कामना करता हूँ। अच्छे से काम करके आए और जिस भाव से जा रहे हैं, जिनकी अस्थियाँ लेके जा रहे हैं, उनके मोक्ष प्राप्त हो और भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। मैं बागड़ा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएन शर्मा जी, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। हमारे साथ विधायक रामलाल शर्मा जी भी हैं। हमारी सनातन की परंपरा और संस्कृति रही है कि हिंदू संस्कृति के अंदर जिसका भी देहांत होता है या कोई भी परिवार अपने प्रियजनों को खोता है तो उनको तब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं होती तब तक उनको सौरभ जी या गंगा जी के अंदर विसर्जन नहीं किया जाता। और उन मान्यताओं ने पिछले लॉकडाउन के दौरान काफ़ी परिवार के मनों के अंदर इस प्रकार की एक वेदना और कष्ट है कि हमारे पूर्वजों की अस्थियों को हम विसर्जित नहीं कर पाए। मैं बागड़ा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्री जी को इस बात के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। इन्होंने एक ऐसी कल्पना की कि जिसके आधार के ऊपर इन अस्थियों का विसर्जन किया जा सकता है। आज हमारे बीच में मुख्य सचेतक महेश जी आज इन बसों को